बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन 2024 का बाकायदा तौर पर ऐलान हो चुका है और मुख्तलिफ सियासी सरगर्मियाँ जो है वो अपने अरूज पर हैं। तो नाज़रीन, हम भी पाकिस्तान के जो कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हल्के हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम डिस्ट्रिक्ट खानेवाल, इससे पहले भी हम डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के ऊपर 2 से 3 वीडियो कर चुके हैं, लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट खानेवाल का हल्का है ये हमने इलेक्शन शेड्यूल आने से पहले इसके ऊपर वीडियो की थी, तो आज हम दोबारा इसके ऊपर वीडियो कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि खानेवाल के इस हल्के में इस वक्त कौन सी पोजिशन है। नाज़रीन, खानेवाल का ये हल्का है NA 144, तहसील कबीर वाला और उससे मुलहिका जो देहाती इलाके हैं उन पर ये मुश्तमिल हल्का है। नाज़रीन, 2018 में इस हल्के का नंबर था NA 150। तो नाज़रीन, ये NA 144, सबसे पहले मैं 2018 का रिजल्ट अगर आपके सामने रखूं तो 2018 में से यहाँ से सैयद फखर इमाम जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने 1,01,396 वोट हासिल किए थे और वो यहाँ से इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद रजा हयात हराज उन्होंने तकरीबन 93,000 के करीब वोट हासिल किए थे और वो यहाँ से दूसरे नंबर पर रहे थे। नाज़रीन, ये जो रजा हयात हराज है ये इससे पहले भी मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं 2 दफ़ा, मुस्लिम लीग काफ में से भी, और उसके अलावा जो है ये पहले भी मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं, जबकि सैयद फखर इमाम जो है वो भी पहले मुस्लिम नून में भी कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हो चुके हैं, स्पीकर कौमी असम्बली भी रहे हैं। तो 2000 जो था इसके अंदर हार गए थे वो इलेक्शन, 2000 जो इलेक्शन हुआ था 2013 का उसमें सैयद फखर इमाम साहब जो है वो इलेक्शन हार गए थे, लेकिन अब जो 2018 के अंदर उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था तो वो इलेक्शन जीत गए थे। नाज़रीन, 2018 में जब यहाँ पर इलेक्शन हुआ तो फखर इमाम साहब जो है वो इलेक्शन जीते थे, उनका ना सिर्फ जो है वो कौमी असम्बली से बहसीयत आज़ाद उम्मीदवार जीते थे बल्कि उनके नीचे जो सूबाई असम्बली के 2 हल्के थे ना, PP 205 और जो दूसरा हल्का है PP 212, इसमें से भी आज़ाद हैसियत से उम्मीदवार जीते थे। अगर मैं PP 205 के आपके सामने रखूं तो यहाँ से सैयद खावर अली शाह जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे और फखर इमाम ग्रुप के साथ शामिल थे, फखर इमाम साहब के कज़न भी हैं, वो यहाँ से जीत गए थे, जबकि दूसरे नंबर पर जो रहे थे वो अकबर हयात हराज साहब थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, वो दूसरे नंबर पर रहे थे लेकिन इनके दरमियान वोटों का फ़र्क बहुत कम था। तो जो दूसरा हल्का है उसमें से भी जो कबीर वाला शहर का हल्का है उसमें से सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी ये आज़ाद उम्मीदवार थे, फखर इमाम ग्रुप के थे, इन्होंने ये जीत गए थे, जबकि अब्बास जफर हराज जो है वो यहाँ से दूसरे नंबर पर रहे थे और पाकिस्तान मुस्लिम नूर के राणा इरफान महमूद यहाँ से तीसरे नंबर पर रहे थे। यानी 2018 का अगर आप रिजल्ट देखें तो फखर इमाम, सैयद फखर इमाम और उनका आज़ाद पैनल यहाँ से जीते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रजा हयात हराज और उनका जो पैनल था वो यहाँ से इलेक्शन हार गया था। नाज़रीन, अब जो सूरत हाल है 2024 के हवाले से अगर मैं वो आपके सामने रखूँ तो इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वैसे जैसे पहले मैंने आपको बताया कि खानेवाल में जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीतने वाले कैंडिडेट थे 2018 के अंदर उनमें से कोई भी कैंडिडेट जो है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ रहा। अब नाज़रीन 2024 में अगर आप इस हल्के की बात करें तो इस हल्के के अंदर जो है सैयद फखर इमाम साहब जो कि आज़ाद हैसियत से 2018 में कामयाब हुए थे अब वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उन्होंने अपने बेटे सैयद आबद इमाम को मैदान में उतारा है, बहसीयत आज़ाद उम्मीदवार वो इलेक्शन लड़ रहे हैं NA 144 से, जबकि उनके मुकाबले में मोहम्मद रजा हयात हराज जो कि 2018 में उनसे इलेक्शन हार गए थे वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। 2018 में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से थे लेकिन अब उन्होंने भी ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लिया है और उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से भी ऑफर की गई थी तो उन्होंने वो टिकट भी नहीं लिया। इस तरह सैयद फखर इमाम को भी ऑफर की गई थी कि नून लीग उन्हें टिकट दे दे लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया, टिकट उन्होंने नहीं लिया। तो अब यहाँ पर जो है 1-to-1 मुकाबला जो आज़ाद उम्मीदवार है जिसमें सैयद फखर इमाम के बेटे सैयद आबिद इमाम और रजा हयात हराज के दरमियान है, जबकि यहाँ पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने टिकट दिया है वो सैयद मुख्तियार हुसैन शाह साहब को दिया। सैयद मुख्तियार हुसैन शाह इससे पहले सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ चुके हैं, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उन्हें टिकट दिया यहाँ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से एक नया उम्मीदवार मैदान में उतारा है जो कि शहबाज अहमद खान सियाल है, ये नए उम्मीदवार हैं लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें टिकट दिया है। लेकिन नाज़रीन अगर आप यहाँ से देखें कि मुकाबला किन के दरमियान है तो मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार सैयद फखर इमाम और रजा हयात हराज के दरमियान है जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं और इस दफा जो है रजा हयात हराज जो है इस हल्के के अंदर फेवरेट लग रहे हैं कि वो ये सीट जीतने में कामयाब हो जाएंगे।
जबकि अगर आप सूबाई असेंबली की बात करें तो पीपी 205 में से जो फखर इमाम ग्रुप है उनकी तरफ से सैयद खावर अली शाह एक मरतबा फिर मेंबर सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि 2018 में भी वो यहाँ से कामयाब हुए थे। और जो हराज ग्रुप है उनकी तरफ से अकबर हयात हराज जो है वो जो कि सबका भी यही से इलेक्शन वो लड़े थे, तो ये देहाती इलाके पर मुश्तमिल हल्का है कबीरवाला तहसील का, तो वो यहाँ से जो है राज ग्रुप की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अब्दुल नवाज जो है वो जनाब यहाँ से लड़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से, और मुर्तजा हसन शाह जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हैं। लेकिन आदि अगर आप मुकाबले की बात करें तो मुकाबला यहाँ पर सैयद खावर अली शाह जो कि आजाद उम्मीदवार है फखर इमाम साहब के पैनल के, आबद इमाम साहब के पैनल के, और अकबर हयात हराज जो है वो रजा हयात हराज के पैनल के हैं उनके दरमियान है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग जो है यहाँ पर भी मुकाबले के अंदर मौजूद नहीं है। नाज़रीन अगर आप बात करें जो इससे अगला हलका है सूबाई असेंबली का जो कि पीपी 212 है, ये कबीर वाला शहर पर मुश्तमिल हलका है। इसके अंदर नाज़रीन अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है उसके भी नए उम्मीदवार मैदान में हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी जो कि सबका भी एम पी है और सैयद फखर इमाम ग्रुप से आजाद हसीयत से वो यहाँ से एक मतलब फिर सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं कबीर वाला शहर और बुलिका इलाकों पर मुश्तमिल है। जबकि हराज ग्रुप की तरफ से इस दफा अब्बास जफर हराज इलेक्शन नहीं लड़ रहे और जो महर असगर हयात हराज है वो हराज ग्रुप की तरफ से आजाद हसीयत से यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जबकि मुस्लिम लीग के राणा इरफान महमूद जो है वो मुस्लिम लीग के टिकट से यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। राणा इरफान महमूद के भाई राणा अब्दुल रहमान जो है वो एनए 145 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी दो भाई हैं और अलग-अलग पार्टीज के दरमियान है। लेकिन आदरणीय अगर आप पीपी 212 की बात करें कि मुकाबला किसके दरमियान है तो मुकाबला यहाँ भी सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी जो कि आजाद उम्मीदवार हैं और सबका एम बी ए भी हैं, काफी देर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े भी रहे लेकिन फिर उनके ऊपर मुश्किल वक्त आया, उनके ऊपर दबाव डाला गया, गिरफ्तार भी हुए, फिर उन्हें भी मजबूरन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ना पड़ी। और यहाँ पर जो मुकाबला है वो असगर हयात हराज के दरमियान है। लेकिन नाज़रीन इस दफा पिछली दफा जो हुसैन जहानिया गर्देजी तकरीबन यहाँ से 17,000 वोटों की लीड से जीते थे, तो यहाँ पर अभी भी मुकाबला हुसैन जहानिया गर्देजी और असगर हयात हराज के दरमियान है। लेकिन इस सीट पर हुसैन जहानिया गर्देजी जो है वो फेवरेट लग रहे हैं, जबकि जो असगर हयात हराज है हराज ग्रुप के वो दूसरे नंबर पर है और राणा इरफान महमूद जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार है वो यहाँ पर तीसरे नंबर पर है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।